दोस्तों कहीं पर भी हम जॉब जब करने जाते हैं तो सबसे पहले जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है हमारा रिज्यूम। सामने वाला जो भी इंटरव्यू लेता है वो हमारे रिज्यूम से ही हमें उसको पता हो जाता है कि ये बंदा जो है इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कर सकता है, क्या कर रहा था, यानी कि आपकी डिटेल जो है उस रिज्यूम के अंदर सही तरीके से लिखी होनी बहुत ही जरूरी है। तो आपको भी अगर प्रोफेशनल तरीके से फोटो वाला देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फोटो वाला रिज्यूम दिख रहा होगा जो कि हमारा फोटो लगा हुआ है, इस तरह का रिज्यूम आप बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना, आपको 100% पता हो जाएगा कि कंप्यूटर या लैपटॉप में एमएस वर्ड में आपको रिज्यूम कैसे बनाना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है बुद्धदेव मौर्या और अभी आप देख रहे हैं एक्सेलेंट टेक सपोर्ट 2.0। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहां पर एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है, देन उसके बाद यहां पर आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहां पर देखिए रिज्यूम का जो साइज होता है उसको हमें सेट करना होता है। साइज को सेट करने के लिए हम सबसे पहले लेआउट पर चले जाते हैं। लेआउट पर जाने के बाद जो है यहां पर आपको मार्जिन दिख जाता है, ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद यहां पर देखिए आपको नेरो दिखेगा और नॉर्मल दिखेगा, ठीक है। अगर आपको अपने रिज्यूम के साइड में ज्यादा स्पेस नहीं देना है तो नेरो को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ज्यादा आपको स्टैंडर्ड जो साइज रहता है उसको अगर आप सेट करना चाहते हैं तो यहां पर नॉर्मल साइज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद यहां पर आपको साइज दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आपको A4 साइज जो आपका पेपर होता है उसको सिलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि यहां पर हो सकता है दूसरा आपका पेपर सिलेक्ट होगा तो जिससे आप जो भी टाइप करेंगे बाद में प्रिंट वगैरह करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए सबसे पहले आपको यहां पर सेटिंग कर लेनी है। हमने पेपर को यहां पर सेट कर लिया है। अब उसके बाद यहां पर हम चले जाएंगे इंसर्ट वाले ऑप्शन पर। यहां पर इंसर्ट में आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब उसके बाद यहां पर देखिए आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब जो भी इसके अंदर टाइप करेंगे वो आप लिख सकते हैं, तो यहां पर मैं लिख दूंगा रिज्यूम। अब इसका साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल ए करेंगे और उसके बाद जो है यहां पर हम चले जाएंगे होम पर और यहां पर जाएंगे, देखिए ए दिख रहा होगा, इससे हम क्लिक करेंगे, साइज को इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप चाहें तो यहां पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे ही आ जाएगा तो यहां से भी आप साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं। हमने साइज को यहां पर बढ़ा दिया है 3 बार। यहां पर आप जैसे ही माउस से क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन को, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम बोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसका फॉन्ट वगैरह यहां से चेंज कर सकते हैं, तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। देन उसके बाद थोड़ा सा इसको हम सेट करेंगे कुछ इस तरह से और यहां पर इसको कुछ इस तरह से पकड़ के हम सेंटर में सेट कर देंगे। अब यहां पर देखिए बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, तो सिंपली क्या करेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहां पर आपको एरो सा दिख जाएगा, यानी कि 4 तीर आपको दिख रहे होंगे। राइट बटन आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आउटलाइन आपको दिख रहा होगा, नो आउटलाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिल पर जाएंगे, नो फिल पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर लिख चुका है, देन उसके बाद इसको हम कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही 4 तरह का आएगा तीर, उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखिए कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम दोबारा पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए हम अपना नाम लिख लेंगे। अगर नीचे जाता है तो कुछ इस तरह से आपको स्क्रॉल कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए चले जाना है आपको इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जाने के बाद जो है पिक्चर पर चले जाएंगे। उसके बाद आपकी जहाँ पर भी फोटो होगी इस पर हम फोटो लगाएंगे, अपना फोटो को सेट करेंगे। हमारा ये फोटो आ चुका है। अब आप देखिए आपके इसमें पिक्चर फॉर्मेट भी ओपन हो जाएगा जैसे ही आप इमेज को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर इस सर्कल वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर दिख रहा होगा, इस पर जाके हम किसी भी तरह का बॉर्डर को सेट कर सकते हैं और बॉर्डर के एरिया को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस एरिया को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद दोबारा से जाएंगे और यहाँ से कलर को हम येलो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए इसमें हमें शैडो देना है, तो शैडो देखिए अभी नीचे आ रहा है, तो इसको हम सेट करने के लिए यहाँ पर चले जाएंगे पिक्चर इफेक्ट पर और यहाँ पर चले जाएंगे हम शैडो पर। शैडो पर जाने के बाद कुछ इस तरह से इस वाले शैडो को या इसको हम जो चाहें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस पिक्चर का साइज हमें छोटा करने के लिए यहाँ पर देखिए जैसे ही ये आपको डॉट डॉट दिख रहे होंगे, इस पर हम जैसे ही अपना माउस कर्सर ले जाएंगे तो छोटा करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो अपना फोटो जो है कुछ इस तरह से हम छोटा कर लेंगे। उसके बाद बाहर जैसे ही क्लिक करेंगे अनसेलेक्ट हो जाएगा। दोबारा से आपको फोटो को सिलेक्ट कर लेना है।
और उसके बाद जो है इस तरह से जैसे ही एरो आते हैं चारों तरफ से, तो आपको अभी देख रहे होंगे ये एक इधर उधर मूव नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको क्लिक कर देना है तो ये टॉप हो जाएगा, ठीक है। टॉप के बाद जो है आप इसको कहीं पर भी इधर उधर मूव करा सकते हैं, लेकिन अभी ये ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो इतने पे हमें सेट करना होगा, ठीक है। तो इतने पे हमने इसको सेट किया, छोटा भी इसको थोड़ा सा और कर लेंगे हम, ओके। और इसको देखिए ये मार्जिन दिखाएगा, जैसे ही ले जाएंगे तो ये मार्जिन भी आपको दिखा देगा कि आपका फोटो वगैरह कैसा दिखेगा, ठीक है। ग्रीन कलर की आपको लाइन भी दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे, ओके। अब उसके बाद जो है इस नाम को हम सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से अगेन उसी तरह प्रेस करके इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद जैसे ही चार तरह से आपको एरो दिखेंगे, कुछ इस तरह से आपको मूव कर लेना होगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे या डिलीट बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, तो प्लस लिखेंगे, मोबाइल नंबर जो भी होगा आपका वो आपको यहाँ पर डाल देना है। हमने मोबाइल नंबर को डाल दिया, ये हमारा एक्चुअली में मोबाइल नंबर नहीं है, इस पर आपको फ़ोन ऑन नहीं करना है, देख सकते हैं वैसे ही मैंने सैंपल के लिए डाला हुआ है। अब उसके बाद इंटर बटन प्रेस, जो भी ईमेल आईडी रहेगी उसको डाल देंगे। उसके बाद एड्रेस जो भी रहेगा उसको डाल देना आपको। तो कुछ इस तरह से हो गया है, लेकिन साइज अभी हमें छोटा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल ए करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर चले जाएंगे हम होम पे, आपको सेलेक्ट करना है तभी आप इसका साइज छोटा कर पाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से साइज को छोटा करेंगे, देखिए अभी साइज हमारा छोटा हो चुका है, ठीक है, हमने 22 पे रख दिया है। अब देखिए यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट राइट बटन क्लिक करेंगे, ठीक है। राइट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आफ्टर दिख रहा है ना, इसको हम जीरो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे ये जीरो हो जाएगा और ओके कर देंगे, तो इसका स्पेस जो है वो सही तरीके से सेट हो जाएगा, ठीक है। विलेज पोस्ट हमने डाल दिया, जो भी आपका विलेज रहेगा पोस्ट रहेगा उसको यहाँ पर डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम यूपी हमने डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है अगर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है तो वेबसाइट भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर हमारा, ईमेल आईडी जो है और ये एड्रेस है, इसके आगे हमें सिंबल लगाना है। सिंबल लगाने के लिए इंसर्ट पर चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर पिक्चर पर चले जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा स्टॉक इमेज, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जब भी जाएंगे तो आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपके पीसी पर, ठीक है। तो यहाँ पर आइकॉन पे चले जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे हम जैसे ही करेंगे ये देख सकते हैं टेलीफोन का दिख जाएगा, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ये हमने लोकेशन को सिलेक्ट किया, तीन यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। अब तीनों सिम्बल यहाँ पर आ चुके हैं, एक एक सिम्बल को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये इधर उधर मूव नहीं हो रहा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब ये मूव होगा, साइज को छोटा करके सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो भी सिंबल थे उनको सेट कर दिया है, मोबाइल के सामने मोबाइल और ईमेल एड्रेस के सामने ईमेल हो गया, एड्रेस के सामने ये लोकेशन वाला डाल दिए। अब उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर जो है अगर नीचे नहीं आता है तो आपको टैब बटन इस तरह से प्रेस करना है, तो ये आपका कर्सर जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं अंडरलाइन देने वाला हूँ नीचे, तो इंसर्ट पर चले जाएंगे और यहाँ पर चले जाएंगे शेप्स पर, और उसके बाद ये आपको ब्लैंक सी लाइन दिख रही होगी, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इसको खींचेंगे शिफ्ट बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और कुछ इस तरह से देखिए एकदम से सीधा लाइन जाएगी, ठीक है। शिफ्ट बटन अगर प्रेस नहीं करेंगे तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। अब इस लाइन को अगर हमें बोल्ड करना है तो यहाँ पर देखिए सही तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद राइट बटन क्लिक करना है और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको चले जाना है आउटलाइन पर, और यहाँ पर जाने के बाद जो है आपको इस पर क्लिक करना है वेट पे, ठीक है। और यहाँ से आपको इस तरह से कोई भी लाइन सेलेक्ट कर लेनी है, तो देखिए यहाँ पर हमने ये लाइन सेलेक्ट किया है और इसके कलर को भी हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ब्लैक कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से देखिए हमारी लाइनिंग आ चुकी है, ओके। यहाँ पर देखिए हमारा रिज्यूम जो था इसके नीचे भी हमें अगर अंडरलाइन देना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और कुछ इस तरह से अंडरलाइन हमारी आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे हम चले जाएंगे और इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जैसे ही लाएंगे इसकी कॉपी का ऑप्शन आएगा और उसके बाद कंट्रोल वी और इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं डबल क्लिक किया और उसके बाद इसको डिलीट बटन करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे करियर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर हमने जो करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है इसके साइज को हम छोटा कर देंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे कॉलम के अंदर और इस तरह से छोटा कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर लाइनिंग वगैरह हमने लिख दी है, एक तो अपना मतलब करियर ऑब्जेक्टिव मतलब हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर कैसे काम करेंगे,
कैसे क्या करने वाले हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। वैसे टेम्परेरी मैंने यहाँ पर इतना लिख दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। अब सबसे पहले इस हेडिंग को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो कॉपी हमारी आ चुकी है, इसको यहाँ से कॉपी करना, नहीं तो फिर आप इसको मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आ चुका है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे टेक्नोलॉज। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है टेक्नोलॉज, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, ठीक है। कीबोर्ड हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर जो भी आपकी एजुकेशनल, मतलब कि जैसे बीटेक कर रखे हैं, कंप्यूटर साइंस कर रखे हैं, या जो भी एक्स्ट्रा आपने यहाँ पर कर रखा है कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड, उस जानकारी को यहाँ पर आपको लिख देना है, जो भी डिप्लोमा वगैरह रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पर अपना कंप्यूटर का लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्पेस ज़्यादा आ रहा है, तो इसको सेट करने के लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर जो ये आ रहा है इसको हम कम कर देंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो है सेट हो जाएगा। तो ये सेट हो चुका है। अब उसके बाद जो है इस हेडिंग को दोबारा से हम कॉपी करेंगे यहाँ पर जाके, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग जो डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे हम एकेडमिक, तो यहाँ पर हमने लिखा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और इसको कुछ इस तरह से हम सेट कर देंगे। उसके बाद ये की हमारा जो कर्सर है देखिए यहाँ पर, इसको हम इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे हमारा कर्सर जो है आ जाएगा। अब आपने हाई स्कूल कहाँ से किया है, टेंथ कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से मैं लिख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन में हमने डाल दिया है टेंथ डाल दिया है, ट्वेल्थ डाल दिया है, और बीए डाल दिया है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए भी कर रखा है तो उसको भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। यहाँ पर अब हमारी जो भी मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस है हमें, तो उसको यहाँ पर हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया हेडिंग को, और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे वर्क एक्सपीरियंस। तो ये हेडिंग हमारी आ चुकी है वर्क एक्सपीरियंस की। अब हमने कहाँ कहाँ काम किया है, ठीक है। मान लीजिए अब वैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी रहेगा आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए वर्क एक्सपीरियंस में हमने डाल दिया 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन बालाजी कंप्यूटर सेंटर रायबरेली एज ए सीनियर मैनेजर, ठीक है। कब से कब तक हमने डाल दिया है, काम किया है, और उसके बाद जो है 2 से 5 साल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर हमने डाल दिया है, ठीक है। तो 2 साल यहाँ पर हो गया, करेंटली वर्किंग कहाँ पे कर रहे हैं वो चीज़ डाल देना है। देखिए ये चीज़ जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस में फ्रेशर दिखा देना है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड करता है आपको किस हिसाब से अपना प्रोफाइल को दूसरे के सामने रख रहे हैं या रखना चाहते हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम नीचे चलेंगे, और अगेन जो है यहाँ पर इस हेडिंग को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं पर्सनल ट्रेट्स। पर्सनल ट्रेट्स का मतलब ये होगा कि आपके अंदर क्या स्किल है, क्या आप कर सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। जैसे कि आप लिख सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं हार्ड वर्किंग, उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं गुड रिप्रेजेंटेटिव, और उसके बाद सेल्फ अचीव। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिख दिया है पॉजिटिव एटीट्यूड और हार्ड वर्किंग, गुड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड टू अचीव ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें आपके लिख देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अब उसके बाद दोबारा से हमने हेडिंग को यहाँ पर कॉपी कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं फील्ड इंटरेस्ट, लिख सकते हैं यहाँ पर FIELD। ओके, अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम नीचे जाएंगे। अब फील्ड इंटरेस्ट में देखिए आपको क्या क्या पसंद है उस चीज़ को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि तो इस तरह से आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पर फील्ड इंटरेस्ट भी डाल सकते हैं, जो भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट लगता है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे अगेन सेलेक्ट करने के बाद, और नीचे चले जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल डाल देंगे, जो भी हमारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम नाम डाल देंगे अपना, उसके बाद कुछ इस तरह से, ठीक
ठीक है, ये डिटेल आपको फिल कर देनी है यहाँ पर पर्सनल डिटेल में। तो नाम मैं डाल देता हूँ अपना, और यहाँ पर DOB जो भी रहेगी XYZ आपको यहाँ पर डाल देना है, कुछ भी जो भी रहेगी। ये हमारी एक्चुअली में नहीं है, नहीं तो आप समझें कि एक्चुअली में है। ठीक है, राम डाल दिए हम। मैरिटल स्टेटस में सिंगल है तो सिंगल, ठीक है। यहाँ पर आपको इंडियन, यहाँ पर आपको हिंदी एंड इंग्लिश, और भी कोई लैंग्वेज है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कॉमन जो होती है यही आपकी लैंग्वेज वगैरह होती है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट डाल देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रिज्यूम जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब ऊपर से आपको हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखिए ये कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको साइज़ दिख रहा है, अगर ये बड़ा लग रहा हो तो इसको आप छोटा कर सकते हैं, वैसे ये काफ़ी बड़ा है तो इसके साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे। तो हट जा रहा है, कोई नहीं, यहाँ पर हम कंट्रोल ए कर देंगे और कुछ इस तरह से इसके साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो सारे का साइज़ जो है यहाँ पर हम 24 दे देते हैं। तो इस तरह से आप 3 बार माउस से प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे जितनी लेयर हो एक में, ठीक। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रोफेशनल तरीके से जो रिज्यूम है हमारा बन चुका है। यहाँ पर देखेंगे लाइनिंग भी सही तरीके से सेट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। अब आपने बना लिया है तो इसको सेव कैसे करना है, मान लीजिए आपको दोबारा से एडिट करना है तो आपको फाइल पर चले जाना है और इसको आपको सेव कर लेना है, ठीक है। तो सेव एज पर जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेव एज, उसके बाद ये पूछेगा कहाँ आपको सेव करना है। डेस्कटॉप पे हमें सेव करना है, यहाँ पर हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है फिर से डेस्कटॉप सेलेक्ट, और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए हम नाम डाल देंगे अपना, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसको हम सेव पर क्लिक कर देंगे, हमारा ये जो है डेटा सेव हो चुका है, रिज्यूम हमारा सेव हो चुका है। अब मान लीजिए कि हमें PDF में बनाना है, PDF इसलिए बनाना है जिससे कोई एडिट ना कर पाए इसको, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल पर चले जाएंगे दोबारा से और सेव एज क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप, यहाँ पर हमारा रिज्यूम सिलेक्ट है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर देखिए नाम हमारा लिखा है रिज्यूम और DOCX लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई इस फाइल को देखेगा यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है। तो वर्ड में ये जो है आपको दिख जाएगा। यहाँ पर अब देखिए लिखा हुआ है सेव एज टाइप, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको PDF दिख रहा होगा तो यहाँ पर PDF आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नाम दूसरा थोड़ा सा डाल देता हूँ, नहीं तो सेव नहीं होगा ये, क्योंकि सेम नाम से रहेगा तो सेव कैसे होगा। फाइल सेव किया हमने, ये देखिए ये PDF तैयार हो चुका है, ठीक है। PDF आ चुका है। अब इस पर अगर हम कुछ भी एडिट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एडिट करने के लिए हमें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसी को हम सेलेक्ट करके यहाँ पर कर सकते हैं। अब उसके बाद इसको हम डाउन करेंगे तो विंडो बटन और डाउन D दबाएंगे तो डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं PDF को चेक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए PDF दिख रहा होगा लेकिन ये गूगल क्रोम का दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये PDF हमारी ओपन हो जाएगी। अगर किसी के पास हमें भेजना है तो सीधा जो है इसको हम यहाँ पर भेज सकते हैं, डायरेक्टली जो है चला जाएगा। सो इस तरह से आप जो है अपना रिज्यूम जो है तैयार कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।